नमस्कार न्यूज़ 4 पीएम को स्वागत संपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा डिसेंबर 20 रु 25 तारीख मध्ये खोलिब श्रीमंदिर श्रीमंदिर खोलने छत्तीसा नियोग बैठक में निष्पत्ति पर एनेके सूचना देखते श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक क्रिशन कुमार प्रथम सप्ताह प्रतिदिन 5000 लोकों दर्शन मिल अनुमति प्रथम सप्ताह केवल पुरी लोक श्रीमंदिर जापारे एने दुई दिन भितर राज्य सरकार को सुपारिश करपर जानुरी 1 और 2 तारीख में दर्शन बंद र जनवरी 3 रु पुरी छड़ा बाहर लोकों दर्शन अनुमति दिया कोविड रिपोर्ट नेगेटिव थिले दर्शन अनुमति दिया श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक प्रथम सप्ताह लोकों संख्या वृद्धि करे तेज भितर काठर श्रीजू दर्शन करें भक्त आमे सरकारों को सुपारिश करिबु कि श्रीमंदिर को खोलिबापाई दर्शनार्थी मानक पाई भक्त मानक खोलिबापाई खोलिबापाई एई सुपारिश आमे दुई तीन दिन भितरे तैयारी करिकरी पठाइबु तापरे सरकारों को निष्पत्ति आसिला परे आमे प्राय 5-6 दिन तापरे आमको ओर लागिबो दर्शन आरंभ करिबापाई हमरा आशा अछि 25-26-27-28 भितरे केबे भी से तारीख को आमे निर्धारण करिकरी आम आपको माध्यम रे समस्त को माध्यम रे तारीख को जनइबू ओडिशा सरकार निष्पत्ति आसला परे 4-5 दिन पई प्रथमे पूरी वासी मानक पई खुला हबो 1 तारीख और 2 तारीख को मंदिर रो दर्शन बंद रखा पई छत्तीसा नियोग रे निष्पत्ति डिस्कशन हेइ तापरे और थरे 3 तारीख रो आरंभ हबो 3 तारीख रो होउची ओडिशा एवं ओडिशा बाहर रो भक्त मानकु कोविड टेस्ट सर्टिफिकेट देखकर मंदिर को एंट्री करने व्यवस्था कराला उभय सेवक एवं प्रशासन मिलित भाव भक्त मानक उपयुक्त होउची आम आतिथ्यता देपरबू जिते संभव श्रृंखलित भाव दर्शन करने चेस्ट गोटे श्रृंखलित गाइडलाइन जो कोविड गाइडलाइन की सम्मान दे गोटे जिते शीघ्र राज्य सरकार यहाँ व्यवस्था करेंगे से छत्तीसा निजोग आम ये तो छत्तीसा नियोग महानायक मध्य अच्छा आज्ञा गोटेपटे जो भक्तर भावना था के खोल ता अंतराय घटला तो कमी अनुभव कर व्यवस्था दर्शन व्यवस्था आरंभ हम आज भक्तों पर महाप्रभु द्वार उन्मुक्त कले खबर आम सर्वप्रथमे जो प्रशासन पाखे देल आज भी जगन्नाथ महाप्रभु रत्न सिंहासन सेवक सेवा कर प्रभु पाखे भक्त निपुण प्रार्थना कर एवं प्रशासन बहुत माने जस्टिस कथा आम पाखे प्रकाश कला आम प्रशासन से सहयोग कलु तेणुक सर्वप्रथमे आनुमानिक 22 तारीख रु आग आम सेवायत महिला मैंने सेवायत परिवार हूँ पूरीवासी तापर हूँ आम सारा भारत वर्ष रोच भक्त मैंने आसवे 2 तारीख 3 तारीख हूँ भिड़ सकाशे मंदिर भिड़ सकाशे बंद रे भक्त मानी एवं 3 तारीख रु हूँ ओडिशा बाहर हूँ भक्त मैंने दर्शन करेंगे तादेह हूँ क्यों भाई भाव श्रृंखलित दर्शन करेंगे आयो भाव भल आतिथ्यता नहीं श्रीक्षेत्र पुरी रू फेरी पारे से विभिन्न निजुगर प्रति तेज खोलला आकाश पाठक ठकईर घुमर प्रेसमिट कर आकाश पाठक जालियातीर पोल खोली क्राइमब्रांच एडीजी सौमेन्द्र प्रियदर्शी उत्तर प्रदेश आकर बॉर्डर पर बैठा है 4-5 राज्यों का मैंने नाम लिया वहां का किसान दिल्ली नहीं आ रहा है वहां कोई सुबुगाहट नहीं है किसान बिल को लेकर ये अंतर क्यों है धर्मेंद्र भाई देखिए सरकार बड़े संवेदनशील मनस्थिति में सारे आंदोलनकारी मित्रों से चर्चा के लिए खुले मन पर बैठा है हम बार बार जो विषय उठी है जब ये विषय संसद के अंदर चर्चा हुई बिल पारित किया गया और उसके उपरांत देश में जो डिबेट चल रही है और आज जिस आंदोलन के आपने उल्लेख किया तब तक सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है हम किसी भी विषय पे खुले मन पे चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं कोई भी सकारात्मक सुझाव आता है तो उसको ग्रहण करने में सरकार की कोई इगो नहीं है कोई रुकावट नहीं है कोई जिद नहीं है लेकिन फिर भी हम और समझाएंगे किसान भाइयों को जो लोग इस विषय को लेकर एक अनावश्यक भ्रम पैदा करते हैं उनको भी समझाएंगे हमें लगता है धीरे धीरे इस विषय भारत की तमाम इलाका की किसान भाई बहन समझते हैं इसीलिए
देश भर में एक प्रकार से इसकी ग्राह्यता बढ़ रही है, नया पीढ़ी की व्यक्तियों में, युवाओं में उसकी ग्राह्यता और बढ़ रही है। ये धीरे 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 आगे हम लोग समझा लेंगे। धमन जी, फिर भी कई बार सरकार ने बात करने की कोशिश की, विज्ञान भवन में तमाम बातचीत का दौर जारी रहा, सरकार ने कुछ कदम वापस खींचने का भी संदेश और संकेत दिया उन किसान संगठनों को, फिर भी जो तीन मांगों को लेकर दिल्ली आए थे वो अब डेढ़ दर्जन मांगे बढ़ा चुके हैं और अब कह रहे हैं कि किसान बिल वापस लो नहीं तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। क्या यही फॉर्मूला होगा क्या? देखिए, ये तो उचित नहीं है। जो मूल हम तो डे वन से पूछ रहे हैं, पहला दिन से पूछ रहे हैं, शंका किस बात की है? पहले कहा गया कि जो बिल तीन लाया गया है, जो कानून में परिवर्तित हो गया, उसमें से हम वो खुले मन पे कृषि मंत्री जी और हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी पीयूष गोयल जी दोनों ने और दो तीन और साथियों ने मिलकर एक समय में खुद गृहमंत्री जी ने भी चर्चा किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार सार्वजनिक तौर से अपील भी किया है। मुद्दा क्या है, किस विषय पे आपकी असहमति है, बिंदु वाइज उसको चर्चा करते हैं, उसको अगर हमें सुधारना है हम उसको सुधारने के तैयार है। एमएसपी जाने वाला नहीं है। एमएसपी हमने पिछले, अगर मैं बहुत पुरानी बात ना कहूं, अगर मैं 9 से 14 और 14 से अब तक का एमएसपी की कैलकुलेशन करूं, लगभग दुगुनी एमएसपी हमने देना दे दिया है और इसी एग्रीकल्चरल ईयर में भी हम एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी ज्यादा बिक्री की मूल्य दिया जा रहा है, ज्यादा कमोडिटी पे दिया जा रहा है, उत्पादन बढ़ी है, ये सारे में शंका किस बात की है? बाकी कुछ राजनीतिक ताकत, कुछ निर्दिष्ट विचार से प्रेरित लोग देश में अमन चैन नहीं चाहते हैं, देश में अशांति चाहते हैं, देश में इनकी मन में पीड़ा है। देश की नौजवान, किसान, महिला, गरीब क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा करता है? उसको तोड़ना है। मेरे को लगता है ये तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पे मोदी जी के ऊपर देश के गरीबों की भरोसा को, किसानों की भरोसा को, महिला युवाओं की भरोसा को तोड़ नहीं सकते हैं। धर्मेंद्र जी, आपने कुछ ताकतों की बात की है, ये दो ताकतें जो किसान आंदोलन में घुस गई हैं, क्या आपको लगता है जो अल्ट्रा लेफ्ट ताकतें, जो अल्ट्रा लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इनके बीच घुस गए हैं, जो बातचीत नहीं होने दे रहे हैं, जो सिर्फ इसको बढ़ाना चाहते हैं और सरकार के खिलाफ परसेप्शन खराब करना चाहते हैं, आपको लगता है ये अल्ट्रा लेफ्ट वाले यहां भी घुस गए हैं? यही तो खुफिया एजेंसियों ने यही सूचना दिया है। मैं दो ताकत की बात कहा, कुछ लोगों के मन में एक पीड़ा है और उनके मन में भ्रम है कि देश की शासन की बागडोर हमारी जागीर है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी लोग ही उसको संभालना चाहिए, हमारी खानदान ही उसको संभालना चाहिए। ऐसे सामंतवादी लोग, आज की कांग्रेस पार्टी जिसकी प्रतिनिधित्व करता है, उनके मन में पीड़ा है कौन सी मोदी जी सामान्य व्यक्ति, गरीब घर की व्यक्ति आज देश की सेवा कर रहा है। दूसरी ओर भारत को सदैव कमजोर करने वाले जो ताकत रहे हैं, विश्व की तथाकथित कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग, जो आज देश में जो मूल कम्युनिस्ट शुरू हुए तो अपना ताकत खो बैठे हैं, उग्रवादी लोगों के हाथ में उस विचारधारा जा चुकी है। ये लोग देश में विभिन्न जगह पे इस वैचारिक आधार पे हमारी विरोध करते हैं, ऐसे लोगों की बोलवाला बड़ी है। मैं नहीं मानता हूं देश की मुख्य स्रोत उसको स्वीकार कर रहा है। धमेश जी, आपको लगता नहीं कि ऐसा परसेप्शन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मानो मोदी सरकार ने किसान बिल को लेकर किसानों से ही बात नहीं की, वो यही ग्रुप है वो ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सारा विषय आज की डिजिटल की दुनिया में कुछ भी चीज आप छुपाए नहीं सकते हो, पिछले हम प्रमाण दे रहे हैं सोशल मीडिया में प्रमाण बार बार उठ के आ रहा है। किस समय में कौन कब जिम्मेवारी संभाला था किसी राज्य की, क्या उन्होंने नीति बनाई, क्या कानून बनाया, क्या पैरवी किया था केंद्र को, केंद्र में लोग जब सत्ता में शासन में रहे क्या क्या प्रकार की कानून उन्होंने लाया, ये सारा विषय छुपी नहीं है। कुछ भी विषय आप भ्रम फैलाओ, पिछले 20 साल से किसान को अपने व्यवसाय करने में, अपने कृषि उपज को एक मुक्त बाजार में पहुंचाने के लिए मांग चलते आ रही थी। कई प्रकार की कमेटी, कई प्रकार के कमीशन, कई डेलीगेशन दिल्ली आता था, यह सारे पब्लिक डोमेन में चर्चा हो रहा था। कोई भी चीज हमने छुपा के नहीं किया है या किसानों को अनदेखा करके नहीं किया है। बड़ा विमर्श के साथ जब से प्रधानमंत्री जिम्मेवारी संभाले हैं, किसानों के बारे में कहां 1.5-2 लाख करोड़ रुपया खर्चा होता था, आज 2.5-3 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने की इन्होंने योजना बनाई है। सारे विषय में इंश्योरेंस हो,
ये लोन अमाउंट को ज्यादा बढ़ाने की बात हो, एमएसपी को ज्यादा देने की बात हो, जो चीज हमारे वहां कम बनती थी उसको ज्यादा बनाने की बात हो, या पिछले बजट में ऊर्जा खेती जैसे क्रांतिकारी कदम की घोषणा करने की हो, या हमारी जैसे विभागों को जो परंपरागत तरीके से एक इकोनॉमिक मिनिस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री कहा जाता था, उसको भी किसानों के हितों को कैसे जुड़ा जाए। एथेनॉल के उत्पादन 1 दशमलव से नीचे पहले था कांग्रेस के समय में, आज 6 दशमलव तक पहुंच चुकी है और आने वाले 2-4 साल में उसको हम 10.10% तक ब्लेंडिंग कर लेंगे। ये सारे किसानों की आमदनी की दुगनी की बात हम कोई छुपा के नहीं किए थे, उसके मार्ग के बारे में चर्चा किए थे, कई फोरम पे चर्चा किए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सरकार की तमाम पुर्जे उस विषय को बारी बारी विषयों को रखा था। अगर कुछ मित्रों को सबको अनदेखा करना है यह उनकी समस्या है, लेकिन मैं फिर कहता हूं, बड़ा विनम्रता से कहता हूं, व्यापक चर्चा के बाद यह मसौदा लाया गया है, पार्लियामेंट में चर्चा किया गया है, ये सारा विषय को उसी आधार पर आज कानून में परिवर्तित किया गया है, किसान उससे खुश है। धर्मेंद्र जी, एक और चीज जो सिंधु बॉर्डर की आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, वहां जो किसान बैठे हैं, किसान नेता बैठे हैं, सब पैर के मसाज करवाने की मशीनें वहां पर लगा रखी हैं ताकि लोग बैठे बैठे थक जाएं तो वो मसाज हो जाए, तो आपको लगता नहीं एक दूसरा शाहीन बाग बनाने की तैयारी हो रही है इस तरह से? देखिए, मैं उस मसाज प्याग से ज्यादा चिंतित हूं, वहां जो कुछ प्लाकार्ड लगे हैं देश की ताकत को, देश की अखंडता को तोड़ने वाले लोगों की गुंजन उस आंदोलन की पीछे से कहीं सुन रहा है, जैसे कुछ शरारती तत्व, देश को कमजोर करने वाले तत्व, देश की आत्मा को नहीं समझने वाले तत्व किसानों की आंदोलन के अंदर घुसने का कोशिश कर रहे हैं। यह ज्यादा चिंता की विषय है, देश की प्रबुद्ध नागरिक, देश की नौजवान, देश की नई पीढ़ी उस बात को समझ रहा है, यही बड़ा पर्याप्त है। क्या हम माने कि सरकार इन तत्वों को आइडेंटिफाई कर चुकी है और आने वाले दिनों में इनको अलग अलग करेगी किसान आंदोलन से? देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है, देश की अमन चैन, देश की भाईचारा, देश की शांति को तोड़ने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मोदी जी की सरकार संविधान के आधार पर चलती है, कानून की राज चलती है, इसी पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में हम किसी से भी कोई अहंकार ना रखते हुए बात करने के लिए कई बार मंशा हमारी जता चुके हैं, आज भी हम जो सही कंसर्न है, जिसके बारे में सरकार भी, आपने सही कहा, सरकार भी लचीलापन दिखाई है, एमएसपी कभी एक लिखित हिस्सा नहीं था, लेकिन अगर किसानों के मन में यह चिंता आई कि भाई एमएसपी को लिखित करके सरकार दे दे, वो भी तैयार हुआ सरकार ने, सरकार कोई जिद में नहीं है, किसान हितैषी सरकार है, किसानों की मन में भ्रम ना रहे, हम सब कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर मैं नीचे तक सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग उसकी आड़ पे देश की अखंडता को तोड़ने के लिए बात करेंगे, देश में अशांति पैदा करने के लिए बात करेंगे, सरकार निश्चित रूप में उसको संज्ञान में लेगी। धर्मेंद्र जी, एक और चिंता इस बात की है कि जो पंजाब से आया किसान है, वो पंजाब में माना जाता है हरित क्रांति का सारे बड़े किसान है, बड़े बड़े आढ़ती हैं, बड़े व्यापारी हैं, किसान के लोग बैठे हैं, लेकिन जो गरीब खेती पर ही निर्भर राज्य हैं, वहां का किसान तो कहीं सुबुगाहट नहीं दिखा रहा है, तो माना जाए क्या कि जो किसान बिल है उससे अमीर किसान ज्यादा परेशान है, गरीब किसान को कोई परेशानी नहीं हो रही? नहीं, मैं अगर थोड़ा उसको थोड़ा मैंने जैसे कहा कि हम लोगों ने जैसे सरकार बड़े जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहा है और हम लोग सभी लोग एक काम पे लगे हैं कि किसानों की आमदनी को हम कैसे दुगनी करें, आज से कैसे दुगनी करें, इसी उपज में और क्या बढ़ाए, कौन सी क्रॉप को बढ़ाए, क्या हम लोग पहले देखिए, हम लोग चावल को एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति नहीं देते थे, आज हमने दिया। मक्काई से एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति हम नहीं दे रहे थे, हमने दिया। पराली से सीबीजी बनाने की योजना हमने बनाई 1,00,000 करोड़। तबे न्यूज 18 को केन्द्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को साक्षात्कार ताजा चित्र आपण देखुथिले, वर्तमान बुलेटिन समय छोटी छोटिया ब्रेक रो ब्रेक पर खूब शीघ्र फरुछु।
ब्रेकपुर स्वागत खोलला आकाश पाठक ठकी गुमर प्रेसमिट कर आकाश पाठक जालियाती पोल खोली क्राइमब्रांच एडीजी सोमेन्द्र प्रियदर्शी से कहते टाटा मोटर्स चाकरी कराईदे कही अनेक आशायी को ठकी आकाश पाठक गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणीग्राही और सहयोगी विरोध में छह जन अभोग खोलताड़ पर यह प्रमाणित जमापड़ टाटा मोटर्स चाकरी कराईदे कही आशायी को जाल निजुक्ति पत्र दि आकाश टाटारे चाकरी करुवा नहीं भावे शश्वर प्रदीप पाणीग्राही प्रचार करुले से भितर दुईज आशायी सीधासख प्रदीप आकाउंट को टंका पठाई बेले बाकी चारिज आकाश घनिष्ठ सहयोगी आकाउंटे टंका पैठ कर आकाश द्वारा अन्य जदि कि ठकामी शिकार होता तेज क्राइमब्रांच अभियोग करने अनुरोध करपरी बोरीगा सरपंच बसंत साहू क्राइमब्रांच पचराउचरा कर पुतुरार चाकरी बसंत साहू प्रदीप पाणीग्राही बायोडेटा देते कंभुपाणी साहूंर क्राइमब्रांच जेरा कर कंभुपाणी आकाउंट्रु प्रदीप आकाउंट को आसी लक्षाधिक टंका एफआईआर मुताबिक श्री आकाश कुमार पाठक निजक टाटा मोटर्स इनचार्ज मैनेजिंग डायरेक्टर भाव परिचय दे कंपनी एवं साधारण लोकों को ठकी थिले टाटा मोटर्स लोगो यूज करी फेक आइडेंटिटी कार्ड विजिटिंग कार्ड व्यवहार करी एवं सर्वोपरि फेक ईमेल आईडी सृष्टि करी लोकों को ठकी थिले एवं चाकरी आशायी युवक युवती को चाकरी देवा को कही पैसा नहीं ठकी थिले तदंत समय जना पड़ा जे छह जन व्यक्ति जी अभियोग करते टाटा मोटर्स चाकरी कराई देवाई से गोपालपुर माननीय विधायक डॉक्टर प्रदीप कुमार पाणीग्राही एवं से और सहयोगी को विपुल परिमाण अर्थ दे टाटा मोटर्स चाकरी कराई देवाई श्री पाणीग्राही एवं सहयोगी अनेक आशायी मानक निजे और सहयोगी मानक माध्यम रे पैसा नहीं थिले पीए भलिया काम करूथिबा डेविड पीटर को मध्य पचरा उचरा करा जाइथिला तदंतरु स्पष्ट जाना जाइथिला जे आहुरी अनेक चाकरी आशायी युवक युवती टाटा मोटर्स रे चाकरी पाइबा पाई आकाश पाठक को एवं श्री डॉक्टर प्रदीप पाणीग्राही एवं तांकर सहयोगी को पैसा दे ठकामीर विराट ठकामीर शिकार होइछन्ति देखंतु तदंत जारी रही जो पांच दिनिया रिमांड रे आनी आकाश पाठक को पचारला परे आमे निश्चित भाव रे परवर्ती पदक्षेप करिबो 5T को मिली एक्सीलेंस अवार्ड राज्य सरकार को उद्यम को मिली पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विवेचित होई राज्य सरकार को मो सरकार पदक्षेप इलेट्स नॉलेज संस्था पक्षर यह पुरस्कार प्रदान करा जायछि मो सरकार जरिया कार्य करूछि 5T योजना यह योजना अधीन राज्य सरकार अधिकांश गुरुत्वपूर्ण विभाग को स्वच्छ दुर्नीतिमुक्त अधिक क्रियाशील कराउछि थाना डाक्तरखाना ठारु आरंभ कर शिक्षा स्वास्थ्य कृषि समवाय भली विभाग 5T अधीन को अणा जायछि नयागढ़ पुणि शिशु निखोज रणपुर नरेन्द्रपुर अंचल बधिपाटना गांव संजय कुमार साहू और सबिता साहू तीन वर्ष शिशुकन्या निखोज हो शिशुर ना हरप्रिया साहू डाक ना स्वाति गतकाली अपराह्न तीनटा बाड़ीपट को खेलवाई जाता स्वाति किंतु बाड़ीपटु आउ घर को फेरी नथिला बहु खोजाखोजी करने विफल होवर एनिकी परिवार पक्षर राज्य सुनाखला फांडी अभियोग नयागढ़ जिला परी अपहरण और हत्या मामला को नहीं तनाघना चली कुनी झी निखोज देवाक अंचलवासी मनरे आतंक सृष्टि राज्य सुनाखला पुलिस घटनास्थल में पहुंच प्राथमिक तदंत आरंभ कर पुलिस पहुंची तदंत करोखरी गाड़िया सब बिले बुले कि देखिक गले आमर तो सेमती कहीं नहांती आम सन्देह करुचुँ कंबल वाला आसी पांच छह जन नुआगिरी से मैंने गोटे अटोरे आसी बारटा समय आसी केत फेर आम देखू कि आम झील को पाउन साढ़े दुटा बेल दिन दुटा खेलता दिन दुटा खेलता दुटा बेलूम खोजिक पाउन सन्देह करा जेहेतु पोखरी फोखरी बुड़ी थी कौन कर तेणु
ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଡକେଇ ତିନିଟା ପୋଖରୀ ଆଉ ତିନିଟା କୂଅ ଖୋଜା ସରିଲାଣି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜା ବି ହେଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଫେରିବାଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିବ ବୋଲି, ସେଇଟା ବି ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା। ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ। କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରତି ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କଚା ଘରକୁ ପକ୍କା ଘର କରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରତି ପୂରଣ କରିନାହିଁ ବିଜେଡି, କାରଣ ଏବେ ବି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଆପଣେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କର ତାଲିକା ନାହିଁ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ। କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ପରୀ ଘଟଣା। ପରୀ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସୁଶାସନ ନୁହେଁ ବରଂ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ। कि जो आयुष्मान भारत जो देश के गरीबों को स्वस्थ देने का कार्यक्रम प्रशासन लेके आया है केंद्र का, आप क्यों नहीं लिए? आप गरीबों का वेलफेयर नहीं चाहते हो क्या? उसकी भलाई नहीं चाहते हो क्या? आपको गरीबों को जवाब जरूर देना है। वैसे ही आपने यही ये भी वादा किए कि उड़ीसा में सभी को हम पीने का पानी नल के थ्रू देंगे, पर हम आज पूछना चाहते हैं नवीन बाबू से कि कितने घरों तक आप ये नल का पानी लेके गए? आज भी ओडिशा में 1250 गांव ऐसे हैं, पंचायत ग्राम ऐसे हैं जहां का पानी पीने तक लायक नहीं है। 1500 ऐसे गांव हैं जहां पे आपने पाइपलाइन ही नहीं लेके गए। और वैसे ही किसानों के मुद्दे पे आएंगे, किसानों पे जो जो बिल केंद्र प्रशासन लेके आया उस पे इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं सबके सब अपोजिशन पार्टियां। हम यहाँ के प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं कि कौन किसानों का हित चाहता है, केंद्र प्रशासन या କିଭଳି କରିଥିଲେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍, କାହିଁକି ଏହି ଏଟିଏମ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ, କେମିତି ଲୁଟ୍ କଲେ ଏବଂ ପରେ କେମିତି ଏଠାରୁ ଫେରାର ହେଲେ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 9 ପଟିଆ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ 28 ଲକ୍ଷ ଲୁଟ୍ କରି ବିମାନରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ। 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇ କୋର୍ଟରୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ ନେଇ ଜେରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏହାସହ ସେମାନେ କିଭଳି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ପରେ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ପୋଲିସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ କିଭଳି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ଲୁଟ୍ କରିବାର କୌଶଳ ଶିଖିଲେ ସେ ନେଇ ତନାଘନା କରୁଛି ପୋଲିସ। ସେହିପରି ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଇ କେମିତି ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଡ଼ଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିହାଲ ପ୍ରସାଦର କରଡ଼ାବଣି ବେଆଇନ ଖଣିରେ ବନ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଖଣି ମାଫିଆ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବରପଦା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 25 ଖଣି ମାଫିଆ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏମାନେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ସର୍ଭିସ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଖଣି ଚୋରି। ମାଙ୍କଡ଼ ପାତ୍ରକୁ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ା ପିଟି କଲେ, ଆସଲ୍ଟ କଲେ। ତାଙ୍କର ହାତରେ ଯାହା ସେଲ୍ଫୋନ୍ ଥିଲା ଆଉ ସର୍ଭିସ ରିଭଲ୍ଭର ଥିଲା ସବୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଏମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା ଆଉ ନିହାଲ ପ୍ରସାଦ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଆମେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କଲୁ। ପ୍ରମୋଦ ଲେଙ୍କା କହିକି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେ, କିନ୍ତୁ 25 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିଦେଲୁ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଏବେ ଯାଇକି ଲଜ୍ କରିବୁ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏସ୍ପି ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି।
ସମସ୍ତ ରହିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଟ୍ ଫୋର୍ ପିଏମ୍ କୁ ଏଇଟି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।